अस्सलामुअलैकुम। आपको तो रैली के बारे में पता ही होगा कि किसी सनातन इंसान ने यानी कि हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी। उसके अंदर यानी कि हमारे इम्तियाज़ भाई बोल रहे हैं कि सिर्फ 5 दिन का वक्त दे रहे हैं, आप अगर कोई डिसीज़न नहीं लेते तो हम खुद आएंगे मुंबई की सड़कों के अंदर और हम बताएंगे कि यार सरकार क्या होती है और उसको क्या काम करना चाहिए। और वाकई ऐसा ही हुआ। आप पूरी वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम 5 दिन का आपको वक्त दे रहे हैं, अगर 5 दिन के अंदर इन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 6ठे दिन हम पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग लेंगे और एक डेट डिक्लेयर करके इतनी बड़ी रैली मुंबई की तरफ कूच करेंगे हम कि महाराष्ट्र के इतिहास में कभी देखी नहीं होगी। और आखिरकार यही हुआ। इम्तियाज भाई ने जो बताया वो बातें इन लोगों ने ली सरकार ने हल्के में, कोई डिसीजन नहीं लिया है कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन इम्तियाज भाई ने उसके बाद रिप्लाई वीडियो बनाया कि हम आ रहे हैं मुंबई के अंदर और सब मुसलमान भाइयों को हमारे साथ आना है। और उसके बाद तो आपको बताइए सोशल मीडिया के अंदर की कितना चर्चा हुआ। 23 सितंबर चलो मुंबई का यह नारा हमने दिए है और मैं इसमें महाराष्ट्र के तमाम वो मुसलमान जो इस बात से खफा है, इस बात से नाराज है कि रामगिरी नाम के एक शख्स ने जिस तरीके का बयान दिया है हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद के खिलाफ जो गुस्ताखी की है और बाद में जो कुछ नेताओं ने जो भड़काऊ भाषण देकर इस हद तक चले गए हैं कि पब्लिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रहकर ये बयान देना कि हम मस्जिद में घुस के मुसलमानों को चुन चुन कर मारेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम सरकार को नींद से जगाने के लिए और सरकार को ये बताने के लिए खासतौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये तीनों को एक संविधान की कॉपी हम भेंट करने के लिए मुंबई आना चाहते है। प्यारे बच्चों कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। खड़े रह के आवाज दी तो हिंदुस्तान हिल गया। क्या भूल गए? अभी भी वही आवाज है, छेड़ो नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ने वाला नहीं हो। तो अब कुछ समय तक यानी कि गोदी मीडिया के लिए ये न्यूज़ बंद ही रहेगी या फिर अप रहेगी, आई डोंट नो। लेकिन बस जो भी होगा, लेकिन मुसलमानों को देख के हौसला जरूर बुलंद होगा। नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर। देखिए वीडियो को। वन एंड ओनली पीस। और ये बेकार देने वाली खबर थी कि पूरे मुंबई के अंदर यानी कि इतने मुसलमान रोड के ऊपर, वो भी यानी कि रैली के अंदर। मुझे इतना पता है कि उन लोगों का यानी कि सीना इतना कांप रहा होगा, थरथरा रहा होगा कि अभी हुसैन ने बुलाया नहीं तो इतने आए हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे इतना पता है कि अब 1 जून होके रहा जाएगा और अब गुस्ताखी नहीं हो जाएगी। अब कोई इंसान हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी पसंद नहीं करेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे का वीडियो देखिए। नाइट के अंदर यानी कि इस इम्तियाज भाई ने यानी कि 2 से 4 लाइन कुछ बोली, ये लाइन बहुत ही खतरनाक है कि इतनी बड़ी ताकत उनको समझ में आई है। अगर शराफत से समझ गए तो ठीक, नहीं तो अगला चिप चिप
संभल पाते, तुमको पता ही नहीं चलेगा कितने सारे कहां से आ गए। और हाँ गाइस, हो सके वहाँ तक, यानी कि जिस बंदे ने हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी की थी, उसकी हो सके वहाँ तक की यानी कि रिपोर्ट लिखाओ। आपको जो पास में पुलिस चौकी दिखे, जो पास में थाना दिखे, आप वहाँ जाओ और उसकी यानी कि रिपोर्ट लिखाओ। वो बंदा बस होना चाहिए जेल के। पूरे गवंडी के मुसलमान, पूरे बॉम्बे के मुसलमान ये अच्छी तरह से सुन ले, जुल्म बर्दाश्त करोगे तो अपने वालों की लाशें उठाने के लिए तैयार रहना। जुल्म के खिलाफ आज मौका है, आवाज उठाओ। अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाके सुवर के खिलाफ एफआईआर दाखिल करो और इस सुवर को घसीट के लाना कुर्ला कोर्ट में, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप उठो और पुलिस स्टेशनों में जाके कम्प्लेंट हो सुवर के खिलाफ, इस नितेश राणा के खिलाफ जो बकवास करता है कि मुसलमानों के बस्तरा मारेगा। अरे खबीस, अरे सुवर, तू जो महाराष्ट्र में घूम रहा है ये महाराष्ट्र पुलिस की देन है कि तू घूम रहा है और बोलता है कि मुझे पुलिस बंदोबस्त की जरूरत नहीं। जिस दिन महाराष्ट्र की पुलिस तेरा साथ छोड़ देगी ना, हराम क्या बोला, तू पेट्रोल भरा नहीं, अपनी पेट्रोल पंप में नहीं जा सकता अपनी गाड़ी में। ये अच्छी तरह से सुन ले, मेरी खुली चेतावनी है। अगर महाराष्ट्र में किसी मस्जिद पर, किसी दरगाह पर, किसी मदरसे पर किसी मुसलमान पे हमला होता है तो हम बीजेपी के ऑफिस उनके तोड़ेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके घरों में घुसके मारेंगे। ये हमारा फाइनल एलान है। किसी लश्कर से हम खौफ नहीं खाते हैं, हम जान तो दे देते हैं, मैदान से नहीं जाते हैं। तारीख उठा कर देखो हम गाजी कहलाते हैं, हम अपने दीन की खातिर तूफान से लड़ जाते हैं।